कि अगर कोई छोटका जात वाला किसी बड़का जात वाले के ऊपर गाना गा देता है तो कुचाई हो जाता है उसका। शुरू हुआ ना, हुआ ना। लोग हैं जो हमारे इस यादव नाम का समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे चमार जाति के लोग हैं जिनको ये लग रहा था कि उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, समीर चौधरी अपन सिनेमा लेके खड़ा हुआ। घटना हुआ मुबारकपुर में, आज फिर थोड़ा 10 कदम आगे हो गया। बिहार में ये चिंगारी ऐसे चिंग करेगा और पूरा हिंदुस्तान को जरा कर राख कर देगा। जाति लेके वीर हनुमान तोरा माई देख भोसरी के हमारा गाली देवे का मन करे थो। अब तुम, तुम्हारा बाप आया था लाइव में, अल्लाह भाई के निहाते देखे हैं, इसीलिए हमारे बेटा हमरा लेते हुए देख लिया। और बाप बोला ही जो गनमा गए ना छोड़ा के नाम को जी। बिहार में अश्लील गानों का दौर बढ़ता जा रहा है और फिर एक गाना चल रहा है आटा के लोई। अब कौन सा लोई हो रहा है ये हमको भी समझ में नहीं आता है। आखिर ये जो अश्लीलता है कब खत्म होगा? मेरे साथ अभी एक्टर समीर चौधरी है, हम उन्हीं से बात करेंगे। लगातार अश्लील गानों के लिए विरोध करते हैं और फिर आटा पर लोई होता है, उसके बाद में एक समाज दूसरे समाज पर मारने का आरोप लगाता है, आखिर चल क्या रहा है? देखिए, जितने भी व्यूवर्स आपके देख रहे हैं सबके प्रणाम। ओका बाद हम कहेंगे कि हमने पहले भी कहा और आज भी कहेंगे कि बिहार में वर्ल्ड वार होगा जाति को लेके। मैंने परसों चौथा रोज एक्टिविस्ट को मैंने बोला था कि अगर कोई छोटका जात वाला किसी बड़का जात वाले के ऊपर गाना गा देता है तो कुचाई हो जाता है उसका। शुरू हुआ ना, हुआ ना शुरू। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव खराब है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फलनमा खराब है। कोई यदवंश खराब नहीं है, कोई सूर्यवंश खराब नहीं है, कोई चमार जाति का लोग खराब नहीं है, मानसिकता खराब के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों की जाति को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कौन यादव जी कूट कही है जरा बताए मैं नाम हमारा हाउ। कोई के माए के दूध पीले हैं जो आके बोलते कि हम यादव ही हो, हम कर लिखे। हमारे कोई यादव यदवंश ऐसा नहीं है भैया, हम जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज के इतने बड़े हिस्सा भाई समझ रहे हैं कि कृष्ण समाज के ये अध्वंस है, इनका नाम खराब करने का काम कर रहे हैं कुछ हरामी टाइप के लोग, समझे ना। कुछ दीवार पे भी लिख के साट दे रहे हैं कि हम यादव गैंग है, हमको पैसा चाहिए। ऐसा यादव नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारे इस यादव नाम का समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे चमार जाति के लोग हैं जिनको ये लग रहा था कि उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, समीर चौधरी अपन सिनेमा लेके खड़ा हो, गोली खाएला खड़ा हो, शाबाशी नदी है हमारा। हाँ, लेकिन जो एक्शन लेना है अब हम एक्शन भी लेंगे। सबसे पहले कि भोजपुरी के जो चंद चूतिया गायक है जो झंडू टाइप के हैं, इन लोगों के ऊपर रोक लगना चाहिए। रोक इसलिए लगना चाहिए कि आज देख लीजिए, परसों उधर घटना हुआ मुबारकपुर में, आज फिर थोड़ा 10 कदम आगे हो गया। बिहार में ये चिंगारी ऐसे चिंग करेगा और पूरा हिंदुस्तान को जरा कर राख कर देगा जाति वर्धा के नाम पे। अच्छा, आप लगातार अश्लीलता के खिलाफ मुद्दा उठाते रहे हैं, एक गाना फिर एक अश्लील गायक ही बोलेंगे, गाना गाता है राम जी के चोर के और ढोरिया का प्रणाम करके। आप नहीं सुनिए हमारे बात। ओकरा कहल गेले कि वीर हनुमान तोरा माई देख भोसरी के हमरा गाली देवे का मन करे थो। अब तुम्हारा बाप आया था लाइव में, और लाइव में आके कोची बोल रहे इंटरव्यू में कि ओकर बाप बोला है ना कि हम अपना माई के निहाते देखे हैं, इसीलिए हमारे बेटा हमरा लेते हुए देख लिया। ओकर बाप बोला ही जो गनमा गए ना छोड़ा के नाम कोची है, पता है क्या नाम है उसका? ऐसा असली नाम का ऐसे ऐसे व्यक्ति को तो नाम प्रचारित करने में ही बेकार है। हाँ, तो सोच लीजिए कि जो व्यक्ति ये गाना गाया है वीर हनुमान करके, जो भौजी के ढोंडी छूता तेरी माँ का, जूता खोल के मारेंगे रे भोसरी के तुमको, हम गाली दे रहे हैं तुमको, पर्सनली गाली दे रहे हैं हम, क्योंकि तुम्हारा बाप आके बोला है। तुम्हारा जो दाढ़ी उड़ी बढ़ेले हो ना बाबू तोहर, वो कहको कि हम अपन माई के निहाते देखे थे और देखते थे, मजा लेते थे। वही बेटा इसका पैदा हो गया है जो अपन बाप के सोते हुए देखता है माई के साथ मजा लेने के लिए। तूने हरामी का पिल्ला हरामी रहोगे, समझा कि नहीं? बाप को उस वर्ड बोलने में भी शर्म नहीं लगता है कि बेटा हमारा देखा? बाप बोल रहा है डायरेक्ट कि हमारा बेटा अच्छा काम किया है, तो हम नहीं कह रहे हैं कि अगर बापे बोला है कि हम अपन माई के निहाते देखते थे तो हमारा बेटा हमारा सोते समय देख लेता है। सोचिए कि संस्कारहीन परिवार है, उसको जला देना चाहिए जिंदा। वैसे हम गांव को समाज, उसे हम गांव को दोषित कहते हैं। खिलाफ आवाज उठाइएगा भैया, आवाज उठाए तो ना। हम वैसे गांव के सभी गांव के लोगों को दोषी कह रहे हैं जो ऐसे लोगों को समाज में रहने देते हैं। मत रहने दीजिए ऐसे लोगों को, वो खनिए मारिए लंगटे कर करके, ज्यादा हो तो खात्मा कर दीजिए ओकरा, खात्मा है ना। तो हम यही कहेंगे भैया कि समाज, हमारे समाज की माता सीता है ना, जो एक पवित्र भावी थी, जो लक्ष्मण जी आज तक कभी मुंह नहीं उठा के देखे थे, और राम जी को बदनाम किया जा रहा है। अरे भैया, राम जी के छोड़ के पहले माता सीता के ही धरती के बदनाम कर दिया दो गलवा सब। ये डायरेक्ट भाभी के कहे कि ढोंढी कले हो के 2 इंच नीचे घट जाएगा तो समझ रहे कोची देख लेगा ये लोग। ये लोग छेदा देखने का फेरा में ना है, तोरा माई के प्रणाम कर रही हो अब हम। अभी मेरे साथ एक और है, आप NCP के युवा लीडर है,
चलिए उनसे बात करें, क्या बिहार में लगातार अश्लीलता का दौर बढ़ते जा रहा है? एक वो वैसा दौर था जब नदिया के पार गाना निकलता था, वो सुनते सुनते लोग अभी भी सुनते हैं, दिल को छू जाता है, लेकिन एक आज का अश्लीलता भरा गाना है जो सुनने के बाद हम यहाँ तक कि फैमिली के साथ हम सुन नहीं सकते हैं। सब लोगों को पहले नमस्कार, मेरी सब लोगों से एक ही विनती है कि जो भी गायक ऐसे गाना को अगर YouTube पे और ये कहीं भी रिलीज करते हैं, सबसे पहले रिपोर्ट मारने का काम करें। सब लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश है कि वो रिपोर्ट मारने का काम करें, और जहाँ भी वो रहें, वो समाज, वो गांव, सबको वो बदनाम कर रहा है। वो जैसे एक समाज में अच्छे लोग होते हैं तो वो गाँव का नाम होता है, समाज का नाम होता है, देश का नाम होता है, उसी तरह अगर एक गंदे कीड़ा हो जाए तो वो पूरा गांव और समाज को ख़राब करता है। तो हम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि जो जैसे समाज में वो अगर पनपे हैं तो उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और सबसे यही विशेष अनुरोध है कि रिपोर्ट मारा करे वो उसके चैनल पे। चलिए, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद।